बॉर्डर पे होगा कहीं, एक भाई की जरूर मिसिंग। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, हम लोग जा रहे हैं अभी कहाँ, आप लोग गेस करके बताओ। ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है जो अभी आर्मी में रहता है तो आया है इधर, और उसके बाद ये काजल लगाया हुआ रे। हाँ। दिखा, मेरी शादी होने वाली है दोस्तों। तो आप लोग गेस करो कि कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। और ये सबसे मिडिल वन है जो कि आंख में काजल वादल लगा करके बैठा हुआ है। पता नहीं आज इतना घोड़ा कैसे लग रहा है, हालांकि बहुत काला है। कैमरे की क्वालिटी के कारण ऐसा दिख रहा होगा। गाइस मेरी एक बात सुनो, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो खुद भी काले हैं, ठीक है। मैं घोड़ा हूँ थोड़ा सा, आप देख लो शक्ल हमारी। तो मैं आप लोगों को फिर रास्ते का व्यूज दिखाऊंगा थोड़ा सा टाइम लैप्स पे, और उसके बाद फिर मैं पहुंचूंगा, फिर वहां का व्यूज दिखाता हूँ। आज हम लोग जाने वाले हैं अपनी दीदी के यहाँ, रक्षाबंधन है, तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। सेम कह दो, बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन, बोल दो सबको। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। ये हमारे विलेज का रोड है, और ये हमारे गांव का शिव मंदिर जो गांव के लोगों ने ही मिलकर के बनाया है। ये हमारी मम्मी है जो कि अभी पूजा करने के लिए मंदिर पे रुकी है, भगवान को भी आज रक्षाबंधन का राखी बांध देगी। ये हमारे गांव का तालाब है छोटा सा, जहाँ की सब कुछ ला करके मूर्ति वगैरह का विसर्जन बेसिकली किया जाता है। और ये हमारे स्कूल के ही परिसर में सबसे पहले था हनुमान जी का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर के बाद में यहाँ पे बना है ये श्री श्री 108 बाबा रुद्रेश्वर नाथ महादेव। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं हम लोग दीदी के गांव, और दीदी हमारी बैठी हुई इंतजार कर रही है। देख लो, ये हमारी दीदी है जो बैठ करके इंतजार कर रही है। फूल गोभी बन चुकी है मोटी होकर के, देख लीजिए। और ये हमारा भाई ना, ये बड़ा वाला है, और ये जो है सो ये छोटा वाला। ये हमारी दीदी का पुराना वाला घर है, हालांकि नया वाला घर अभी बनने में टाइम है, तो तत्काल हम लोग अभी यही पर आए हुए हैं। इतने मोटा कहना के लिए पंडुक जी के दाना खाके अपने पति को पंडुक जी बोल रही है। जिया जी, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, आपको पंडुक जी बोल रही है। वो जानते हैं जो मुझको पंडुक जी कहती है, इसलिए। ये मेरी मम्मी भी आई है हम लोगों के साथ में घूमने के लिए। रक्षाबंधन में क्या सब लाई है? ये मेरा तीन नमूना भाई तो है। ये नमूना भाई। अगरबत्ती वगैरह दे भी सब दीप तीप सब ने बढ़ता है। अरे यार, हम लोगों को देवता के समान आज पूजा जाता है, बलि के बकरा है। बारह फोटो खींचिए। आरती उतार भाई। हाँ, जूता खोल रहा हूँ। जूता खोलो तक नहीं आरती उतार भाई। मुँह में जलाने दे। हाँ, चल 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 ठीक है। राखी बना लिया है, अभी राखी बनाने के बाद में अभी मेरे से छोटा जो है वो, हालांकि जो मेरे से एक छोटा है वो तो अभी है नहीं, जॉब पे है, ड्यूटी पे है, तो आ नहीं सकता। और उसके बाद ये बेल्ला बैठा रहता है घर पे, तो ये आ गया राखी बांधने के लिए। गाइस, ये बेल्ला अभी इनसे ज्यादा अमाउंट अपनी बहन को देगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे बकरे को काटने से चावल रखी ना, इसी तरह आरती और चावल और फूल दिया जाता है, उसी तरह हलाल होने से पहले ये सारा किया जा रहा है। मिर्चा पत्ता पर चावल रख दिया। मोटेबे करे आदमी, पातर के रहे मोटाए आदमी। कौन गाना छे मम्मी? होली के जगह पर मम्मी राखी गाना बना। मम्मी कौन गाना छे? का दिन खिल खिल जाती है। सिंगर हुआ के चाहिए। खाने में जो माल बना हुआ है वो माल तो हम कहीं और ऑर्डर किए। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो भी मतलब रक्षाबंधन दिया था बहन को गिफ्ट, मैंने उसके जगह पर पैसे दिए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बहन जो एक कोका कोला मैंने लाने के लिए,
क्या समझ रहा है लाए हुए ये लो बेइज्जत देखो दीदी सबको एक बार मैं हाय बोल दो सबको लेकिन है ये बात मुझे एक भाई की जरूर मिसिंग हो रहा है और वो जो मेरा भाई जो मिस कर रहे हो आप लोग ये है मेरा भाई ये देख और अभी ये ड्यूटी में है और बॉर्डर पे होगा कहीं तो मैं बता नहीं सकता कि कहाँ पे है आई एम सो सॉरी फॉर दैट फिलहाल ये टर्म एंड कंडीशन होता है कि रिवील नहीं कर सकते हैं सेवई का खीर बनाई है और क्या बनाई है आलू का पूरी और ये तो पता नहीं रिफाइन है और ये सब्जी बनाई है और क्या है आलू का पूरी और ये आलू का पूरी बनाई है पढ़ता लिखता तो है नहीं सारा दिन सिर्फ घूमता रहता है क्या क्या कर रहा है भाई हाँ ये पूरा शेरवानी सब कला पहनने चाहिए आए ब्याह करवाई शादी करवाई की मम्मी कहल कह मम्मी तोरा जोकर बना देलको तो जोकर बन गेली अरे अभी जे छो तो दोस्त के छो परदुम हम लोगों को मिला है खाना सबसे भूखा बैठ गया है सबसे पहले खाने के लिए हम लोगों का इंतजार भी नहीं किया है खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं तो दोस्तों फाइनली हमारी रक्षाबंधन हो गई हमारी दीदी के साथ हमने मना लिया और ये लेकिन तू इधर छोट इधर में इधर गांव में इधर गांव में पुतौह बोला जाता है जो बहू होती है उसको और जब निकलते हैं तो गांव में इसी तरीके से सर पे दुपट्टा पल्लू जो भी होता है अपना रख लेते हैं ठीक है फ्रेंडा गाड़ी में बैठ करके फिर निकलते हैं पहुँचते करके वहाँ पर आपको फिर इन्फॉर्म करते हैं बताते हैं अब छोटी बहन से आपको मिलाता हूँ मैं ये NH पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है आधे घंटे हो गए आधा घंटा से जाम में फंसा हुआ हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं फाइनली हम अपने छोटी बहन के घर पे पहुंच गए हैं और ये रहा हमारी छोटी बहन का घर आप लोगों को मैं मिला तो अपनी छोटी बहन से हमारी जितनी भी बहन है सब मोटी है आपने उसको इसको हम लोग पंपकिन बोलते हैं आप लोग हिंदी में कदिमा जानते होंगे ये हमेशा टीवी देखता रहता था दिखा और ये बोल रही थी कि हम सजेंगे सवरेंगे उसके बाद हमारा वीडियो और फोटो लीजिएगा उससे पहले हमारा वीडियो या फोटो नहीं लीजिएगा ये इसका किचन है सुंदर गिलास कम से कम पानी पियेंगे अरे दांत देखे तुम्हारा अरे तो बोलता होगा तो दांत से तो हवा निकल जाता होगा ये लेता रहिए इसको डर के मारे कि बेटा का रिकॉर्डिंग नहीं होगा वीडियो नहीं जाएगा सारा वीडियो जाएगा अभी किलो जो है तो किलो जो है अब चलते लेने रहिए कि चल भाई देवर खाए सब के आए के बाद सारा खा गए सारा खाए सब जैक्टर बना के तीन सब्जेक्ट मैम पढ़ा दिया मारिंग करता है मंदिर जाता है और फ्रेंड तो ये रहे हमारे झाजी भाग रहे हैं जस्ट अभी आए हैं आप सबको हेलो बोल रहे हैं एक बार हाय अच्छे से बोलिए दांत दिखा दीजिए सबको हेलो कहाँ घर है आपका बेगूसराय में हम लोग आए हुए हैं बरौनी और इनका जो भाषा है वो अलग है सुनाइए तो कैसे बोलते हैं कैसन सो सबको ठीक ठाक हाँ और हेरा 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 वाला जो लैंग्वेज है वो रे की हाल समाचार छो और देखिए हमने भैया का क्या हाल किया है तो ये हो गया देखिए यही होता है तो बहन खिसा जाता है तो भाई इसी का हाल होता है तो ये ऐसे सकल घोड़ा इसका दिख रहा है लेकिन ये पाउडर नहीं जाता अभी जस्ट पाउडर लगाई है और ये सकल का घोड़ा बनाई है बोलिए हमको कैमरा में आना है इसलिए लेकिन मैंने तो रिवील कर दिया मिठाई पूरा का पूरा बकेट उठा करके ले आई है हम लोग इतना खा नहीं पाएंगे फिर भी ले आई है ले जाएंगे सर और क्या मेरा सबसे छोटा वाला भगना है क्या नाम है इसका हम सबको मिल रहा है मिठाई ये बेचारा बैठ करके सोच रहा है कि सब मामा खाए जा रहे हैं मेरे लिए बचेगा कि नहीं ये बेचारा पूरा सस्पेंस में है कौन आ गया है कहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे साथ में सोच से परेशान तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे वापस आ गए हैं और शाम हो चुकी है
और सारा घर में एसी बना हुआ है, आप देख लीजिए। अभी सबको मैं एडजस्ट करूंगा, कहीं कोई है नहीं तो अभी मैं अकेला रह रहा हूँ इस रूम में, तो सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अब सो जाऊंगा क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप लोग बिहार समस्तीपुर से हैं तो प्लीज़ अपने इस भाई को फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के चैनल मेरा ग्रो नहीं करेगा। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत है। जितने भी हैं शेयर कर दीजिए, अपना स्टेटस लगा दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। और फिर आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, एंड नेक्स्ट डे अगले ब्लॉग में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, सी यू, टेक केयर।